व्हाट्सअप गाइज, क्या हैं आप सबके, वेलकम बैक टू अनदर न्यूज़ वीडियो। और ये भी होने वाली है भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ वीडियो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम ही काय कर रहा था, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अब जल्दी से बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। पहली न्यूज़ निकल कर आती है जोनाथन की तरफ से। गाइज, जैसे कि हम सबको पता है कि लैन इवेंट में गोल्डलाई की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी और गोल्डलाई के सारे प्लेयर सैड दिखे थे इंक्लूडिंग जोनाथन। जब उनको उनकी एसफार्ट 9 लेजेंड वाली ट्रॉफी मिल रही थी तो स्टेज पर भी जोनाथन काफी सैड और डिसअपॉइंटेड दिखे थे। बट गाइस, फाइनली वो लैन इवेंट खत्म होने के बाद जोनाथन ने डाली इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी, जो कि सबसे पहले तो आप देखो वीडियो और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जोनाथन ने उसके साथ में क्या मैसेज शेयर किया है। ओके, अपने पे रचना कर दे वैसे और उसी के नीचे उन्होंने लिखा आई विल बी बैक, विच मीन्स कि जोनाथन हैज अनाउंस हिज कमबैक। और उसके बाद आज के ही मैच में आप देख सकते हो जोनाथन ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था जिसमें कि उनके हैं 8 किल्स। तो गाइस, ये तो गोल्डलाइक फैंस के लिए काफी अच्छी न्यूज है एंड वी होप कि हमें वापस से वही डोमिनेशन देखने के मिले जो हमें पहले मिलता था। और गाइस, टॉकिंग अबाउट जोनाथन, नेक्स्ट निकल कर आती है नियो भाई की तरफ से। अगेन, जैसा कि हमें पता है कि जो हमें गोल्डलाइक का डोमिनेशन पहले देखने के लिए मिलता था वो हमें BGIS के बाद थोड़ा कम मिला था। और गाइस, उसके बाद से इंक्लूडिंग प्लेयर और फैंस भी थोड़े सैड थे। बट आज के एक इंटरव्यू में नियो भाई ने बात की है डायरेक्ट अपने फैंस से और उनके लिए दिया है एक हार्ड फेल्ट मैसेज। तो जो भी उन्होंने बोला वो आप अभी स्क्रीन पर सुन सकते हो। गॉडलाइक फैंस के लिए ये मैसेज रहेगा कि गाइज, हम लोग BGIS के बाद से बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जितना हम लोग का आप लोग जितना हम लोग को पहचानते हो। तो बस यही है कि ऑफिशियल्स के पहले सब ठीक हो जाएगा और ऑफिशियल्स में आप लोग को पता ही है कि हम लोग परफॉर्म करेंगे और ये टाइम हम लोग ही ट्रॉफी जीतेंगे वो वाली। ये टाइम कोई #4 #2 #3 नहीं, ये टाइम #1 ही आएंगे जैसे हम लोग आते हैं। तो बस थोड़ा भरोसा रखना हम लोग पे, हम लोग कर लें। सो गाइज, हाउ एक्साइटेड आर यू गाइज फॉर गॉडलाइक कमबैक, मुझे कमेंट से बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और गाइज, नेक्स्ट मुझे थग भाई और ओमेगा की रिलेटेड जो कि निकल कर आती है गोल्डी भाई की तरफ से, जहाँ पर आज थग भाई ने इंस्टाग्राम पर लगाई थी एक स्टोरी जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, ओनली फ्यू वंस आर द ट्रू वंस। और गाइस, इसके बाद काफी सारे सोल फैंस को लगा कि ये स्टोरी थग भाई ने किसी के लिए लगाई है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। और अपनी लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में गोल्डी भाई ने बात की है इसी के बारे में, तो जो भी उन्होंने अपनी स्ट्रीम पर बोला वो आप अभी स्क्रीन पर सुन सकते हो। अच्छा, भी पर्सनल लाइफ में कुछ लफड़ा चल रहा है, ओमेगा का भी कुछ पर्सनल लाइफ में लफड़ा चल रहा है, अब क्या बोले इस बात को। वो स्टोरीज डली भी ऐसे है कि सबको लग रहा है सब रिलेटेबल है एक दूसरे से, कुछ नहीं मस्ती मजाक हंसी मजाक चल रहा है जो ग्रुप में। मैंने तो उठ के पूछा, कोई चोरी का कोई रिलेवेंस ही नहीं है, फालतू की बातें हैं सारी। उसको बढ़ा चढ़ा के पता नहीं क्यों ऑडियंस को सिर्फ चाहिए कि कुछ मसाला मिल जाए, कोई कहीं नहीं छोड़ रहा भाई। ठीक है, स्टोरी के बारे में पूछो। अरे भाई, जॉम्बी क्रशर तू पूछ रहा है ना, मैं तेरे को ही बता रहा हूँ, बाकियों को क्यों बोल रहा है पूछने के लिए। और गाइस, नेक्स्ट एक थोड़ी शॉकिंग न्यूज है जो कि है टीम सोल के रिलेटेड, जहाँ पर शायद कुछ हाईलाइट चैनल की वीडियो देखने के बाद सोल फैंस को थोड़ी मिसकंसेप्शन हो गई और ये लगने लगा कि शायद टीम सोल में से कोई प्लेयर लीव कर रहा है। एंड ये सब बंदे जाकर टीम सोल के प्लेयर्स को भी पूछने लगे। बट इसके बाद सोल गोबले ने डाली इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। गाइस, प्लीज स्टॉप स्पेकुलेटिंग एनीथिंग और व्हाट यू सी और हियर बाय एनी हाईलाइट चैनल और ऑन बेसिस ऑफ अजम्पशंस, देयर हैज बीन नो प्रॉब्लम्स अमंग अस आर टीम एंड नो वन इज लिविंग एनीवेयर। जहाँ पर बेसिकली उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि प्लीज कुछ भी स्पेकुलेट करना बंद कर दो जो कि आप हाईलाइट चैनल से के थ्रू देखते हो। हमारी टीम में ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी टीम को लीव नहीं कर रहा है। और एंड में उन्होंने लिखा कीप सपोर्टिंग। तो गाइस, आई डोंट नो ये न्यूज कहाँ से निकल के आती है और भाई ये चमत्कार ये लोग कैसे कर देते हैं। और गाइस, नेक्स्ट निकल कर आती है BGMI हैकर्स के रिलेटेड। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रीवियस पास कुछ दिन में हमें कितने सारे हैकर्स देखने को मिले अनऑफिशियल या फिर ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में, और लगभग हर वीडियो में उनके लिए कोई ना कोई एक स्टोरी होती है। तो इसके बाद डेस्ट्रो भाई ने इंस्टाग्राम पर डाला था एक पोस्ट जहां पर किसी ने उनसे पूछा लाइफ टाइम ई स्पोर्ट बैन फॉर हैकिंग इन ऑफिशियल्स और ए टायर टूर्नामेंट्स, जिसमें कि डेस्ट्रो भाई ने रिप्लाई किया आई एम इन फेवर। जब पर बेसिकली गाइज उन्होंने यही बोला कि ए टायर और ऑफिशियल्स में जो भी हैकिंग हमें देखने के लिए मिलती है वो प्लेयर्स को लाइफ टाइम के लिए बैन कर देना चाहिए BGMI से। वैसे आपको इस पर क्या लगता है मुझे कमेंट से बताना बिल्कुल भी मत भूलना, क्या उनको बैन कर देना चाहिए या फिर कुछ ईयर्स का गैप देना चाहिए। और गाइस, नेक्स्ट निकल कर आती है मावी भाई की तरफ से, जहां पर इंस्टाग्राम पर डाली उन्होंने एक स्टोरी जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। व्हेन आई प्ले फॉर फन ऑन स्ट्रीम यू ऑल से आई एम नॉट सीरियस, टुडे आई प्लेड एक्सट्रीमली सीरियस एंड पुट इट फैंटास्टिक गेम प्ले और एक मैच में तो 5000 प्लस डैमेज भी दे दिया, अब लोग फन ज्यादा और सीरियसनेस कम मांग रहे हैं ऑन स्ट्रीम, समझ नहीं आता क्या और क्या करूं मैं। जहां पर बेसिकली उन्होंने यही बोला कि जब मैं स्ट्रीम पर फन देता हूं तो सब लोग बोलते हैं कि सीरियस होके खेला कर,
में सीरियस होके खेला जहाँ पर मैंने 5000 का भी डैमेज दिया, तो लोग बोल रहे हैं कि सीरियसनेस कम करके थोड़ा फन बढ़ाओ। और गाइस वैसे ये चीज तो मोस्टली होती है ना, मतलब जो भी किसी की स्ट्रीम पर चल रहा है लोगों को वो नहीं देखना है, कुछ और ही देखना है जो कि नहीं चल रहा है। तो बस गाइस फिलहाल मेरे पास वीडियो में इतनी न्यूज थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड नाइट एंड अ गुड डे। बाय बाय।